पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है नवरात्रि का पर्व। माता के मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या बना धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र। बीते 6 महीने में 11 करोड़ भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। शारदीय नवरात्र पर सजा माँ वैष्णो देवी का दरबार। श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। माँ के जयकारे से गूंज रहा विंध्याचल धाम। चरण स्पर्श पर रोक। एक बार में 7 VIP ही कर सकेंगे दर्शन। पूरे देश में श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा में झज्जर के बेरी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में भी मेले का आयोजन हो रहा है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माता के मंदिर में शीश नवाने पहुंचने लगे हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मंदिर का इतिहास बताता है कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने भीम को कुलदेवी भीमेश्वरी माँ से विजय का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। अयोध्या का राम मंदिर देश में धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन गया है। यहाँ पहुँचने वाले भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 6 महीने में करीब 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि साल 2024 की पहली छमाही में प्रदेश में कुल 33 करोड़ के करीब पर्यटक घूमने आए, जिसमें से 11 करोड़ लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुँचे। शारदीय नवरात्र पर कटरा में मां वैष्णो देवी का भवन दुल्हन की तरह सज गया है। माता के भवन में विशाल शत चंडी महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह बने विशाल पंडाल, स्वागत द्वार और देवी देवताओं की मूर्तियां श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मां के दिव्य दर्शन पाने के लिए भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार दोपहर तक लगभग 25,500 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया था और वे मां के दर्शन के लिए रवाना हो चुके थे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में हजारों भक्तों ने मत्था टेका। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया और श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग गईं। भीड़ को देखते हुए माता की मूर्ति के चरण स्पर्श पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही नियम बनाया गया है कि एक समय में केवल 7 VIP ही मंदिर के भीतर जा सकते हैं। इसके लिए एक प्रोटोकॉल अधिकारी की तैनाती भी की गई है। भक्त माता के दर्शन आसानी से कर सकें, इसके लिए चारों पहर की आरती और श्रृंगार पूजन का समय निर्धारित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। उत्तराखंड में आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम द्वारा मां अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के अंतर्गत आश्विन माह की अमावस्या तिथि को क्षेत्र के निर्धन और वंचित 22 परिवारों को मासिक राशन वितरित किया गया। इस दौरान गुरुदेव आर्यम जी महाराज ने बताया कि आश्विन मास की अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से हमारे अनेक अज्ञात पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मसूरी के भगवान शंकर आश्रम परिसर में आश्विन मास की अमावस्या पर विशेष अग्निहोत्र का भी आयोजन किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक और आश्रम के कुल प्रमुख परम पूज्य जगतगुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। गुरुदेव ने बताया कि इस अग्निहोत्रम से समाज में इस बात का भी संदेश प्रेषित होता है कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को स्नेह और देखरेख के साथ परिवार से जोड़े रखना चाहिए।